अस्सलामुअलैकुम बहनों भाइयों के ज्ञान से खरा मैं सुखारा अपना रॉफर मान ठाकर और हरियाणवी बैठक प्रोग्राम लेकर थारे आज सादरे खिदमत सूँ। हरियाणवी दुनिया जड़े जड़े भी है उठा उठा अपना कोशिश करांगे, हरियाणवी दुनिया से तारफ करावांगे, हरियाणवी दुनिया के गलत बातचीत करावांगे। तो आज की जो हरियाणवी दुनिया है तो हम रावलपिंडी दुनिया प्रोग्राम हरियाणवी बैठक लेकर हम बैठे हाँ जी भाइयों, हम इसने शेयर कर दो भाई सारे सारे जो है ना ग्रुपों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा घना से घना शेयर कर दो ताकि हम इस प्रोग्राम में करेंगे। ठीक है, शाबाश 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 शाबाश। ठीक है भाई, वेलकम बड़े सगीर उसके अंदर जो हरियाणवी कहनी है, हरियाणवी का प्रचार करनी है, जितने भी कवि हैं उनमें सबसे सीनियर सबसे महान गुरु उस्तादों के उस्ताद उस्ताद शोरा जनाब अख्तर दुलतालवी भाई हमारे पास हरियाणवी बैठक में तरीफ फरमा है। इनकी ओर से सारे ने आदर आया ने अस्सलाम वालेकुम आदाब नमस्कार। और इस बैठक से जो आज की बैठक से इसका जी जो इसकी चौधर है आज चौधराट की कुर्सी है, चौधराट के ऊपर जो तशरीफ़ फरमाती हैं वो जनाब सऊदी अरबिया से तशरीफ़ ले आई पाकिस्तान और पाकिस्तान से जनाब हमारा बहुत ही सोहना शहर है बलवाल। तो बलवाल का ठाकर राज का जनाब वाला चौधराट पर हमने बिठाया है हमारे जो मानस हैं वो जनाब राणा गुलजार साहब आजी गुलजार साहब हैं। और ये इनकी मोहब्बत है कि ये खसूसी तौर पर रावलपिंडी हरियाणवी बैठक में शिरकत करने वास्ते आए हैं। इसके साथ जनाब वाला हमारे साथ मेहमान खसूसी जो है तशरीफ़ ले कर आए हैं जनाब खानेवाल से राव शाहिद भाई, ये बाबा जी के पीछे नज़र आ रहे होंगे। और जनाब राव शाहिद भाई हैं, ये व्याड़ी से आगे है ज़िला खानेवाल, मुल्तान और व्याड़ी के दरमियान में एक ज़िला खानेवाल है उसमें चक है 137। ठीक है जी, 137 से तशरीफ़ ले आए हैं। और हमारे इस प्रोग्राम ने रौनक बख्शन वास्ते बग़ैर किसी तारुफ़ के जनाब वाला जो है ना जिनकी अपनी ज़ाती पहचान है और उनकी पहचान उनकी आवाज़ है बुलबुले व्याड़ी हैं जी, बुलबुले व्याड़ी आज जनाब जो खसूसी शायर खसूसी कवि और खसूसी हरियाणवी बुज़ुर्ग और हरियाणवी माँ बोली का दीवा चार जनाब बाबा अखाक भाई वो आज हमारी इस महफिल में रावलपिंडी तशरीफ़ लेकर आए हैं। मैं इन सारे मेरे आदरणीय मेरे जितने भी प्रोणे हैं हरियाणवी बैठक के जितने भी मेहमान से हैं बटेऊस हैं मैं इन सारे ने थारी ओर से भी अपनी ओर से भी खुश आमदीद कहूँ। मेहरबानी राव फैज़ान माजिद भाई आप आगे हो, प्रीत मोहसिन भाई आप आगे हो, इसने भाई गणा से गणा शेयर कर दो। शाबाश जी, थैंक यू हमारी ओर से थमने अस्सलाम वालेकुम। आज की हरियाणवी बैठक में थमने अगर जो कोई सवाल पूछना है तो थमरा कमेंट्स कर सको हो, अगर थमने कोई अपनी पसंद का शेर सुनना है वो भी थम कमेंट्स कर सको हो, और जो थमने भाई कोई चुटकुला सुनना है वह भी थमरा आज की बैठक में जनाब जो है ना जी वो शेयर कर सको हो। ठीक है भाइयों, तो माँ बोली का ये जो प्रोग्राम है माँ बोली का बढ़ावा वास्ते हम काम कर दे रहे हैं। ओहो कोई वाल से आ गया भाई राव बकार, हाँ राव बकार शाकर के गया ने तन्ने शामिल करा इस बैठक का मैं लाइव लेवा तन्ने वीरे, कोशिश करा हाँ तन्ने ऐड करने की, जे तो ऐड हो गया तो तन्ने लाइव लेवा हाँ तो तय भी मारा गेल जनाब जो है ना
ਕਾਰ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਸਜਾਬ ਮਾਰੇ ਗੱਲ ਜੁੜੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਸਲਾਮ ਫਰੀਦ ਮੋਹਸਨ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈਓ, ਤੋ ਆਜ ਕੀ ਸਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੈਠਕ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜੋ ਜੁੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇਨਕੇ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਹਮ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਹਮ ਆਪਣਾ ਆਪਕੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਵਾਂ। ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਿਹਾੜੀ ਬਾਬਾ ਅਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਰਾਓ ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਔਰ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਸਾਂ ਭਾਈ, ਬਈ ਹਮ ਵੀ ਠੀਕ ਸਾਂ, ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਭਾਈ ਦੋ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਕਾ ਮੈਂ। ਰਾਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲਮ, ਰਾਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲਮ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ, ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਕੀ ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਗਾਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਜਤੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਸੇ ਜਨਾਬ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਰਾਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲਮ, ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ ਛੋਰਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਖਲਸ ਬਰਾਦਰੀ ਕੀ ਖਬਰ ਹੋ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀ ਖਬਰ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਾਬ ਆਗੇ ਖੜਿਆ ਰਵੇ ਹੈ, ਨਿਡਰ ਸਾਫੀ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ, ਵੈਲਕਮ। ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਜੋ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਦਬੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਹਮਾਰੇ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੈਠਕ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੀ ਮੰਮ ਜੋ ਹੈ ਮਾਈਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਿਹਾੜੀ ਵੈਲਕਮ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਵਾਂ ਹਾਂ। ਅਖਲਾਕ ਭਾਈ ਆਜ ਕੀ ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੈ ਇਸਮੇ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਬਾਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਤਾਓ, ਆਪਕਾ ਪਿਛਲਾ ਗਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਆਪ ਪਰਿਚੇ ਦਿਓ ਔਰ ਪਰਿਚੇ ਦੇਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਆਪਕਾ ਬਚਪਨ ਕਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਜ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸਿਰਫ ਰਾਓ ਅਖਲਾਕ ਕੇ ਰੁੱਕ ਕੇ ਸੁਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਓ ਅਖਲਾਕ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਕੇ ਬੁੱਕ ਕੇ ਆਜ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਮ। ਆਜ ਹਮ ਇਨਕਾ ਬਚਪਨ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾ ਬਚਪਨ ਕਿਸਾ ਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਤਾਰਫ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਸਕੇ ਗੇਲ ਗੇਲ ਜਨਾਬ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਹਮਨੇ ਜੋ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮ ਸਭ ਆਈ ਔਰ ਗੁਆਣਾ ਪਿਛਲਾ ਗਾਮ ਸਭ ਆਈ, ਦੇਨ ਕੀ ਖਾਤਿਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਵਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਕਿਆਮ ਸਭ ਆਈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਕਾਮ ਸਭ ਆਈ, ਔਰ ਲੋਕ ਕਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੇਲਣ ਕੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਲੇਵਾ ਠਾਮ ਸਭ ਆਈ, ਅਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮ ਸਭ ਆਈ, ਗੁਆਣਾ ਪਿਛਲਾ ਗਾਮ ਸਭ ਆਈ। ਭਾਈਓ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਰਾਓ ਔਰ ਜੀ ਵਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਸਾਰਚਕ ਡਬਲਿਊ ਬੀ ਮੈਂ, ਪਿਛਲਾ ਗਾਮ ਗੁਆਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤਾ ਦਿਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਹਤਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਿਆਰੀ ਚੁਹਾਨ ਹੈ। ਗੁਆਣਾ ਜੋ ਥਾ ਯੇ ਕੌਣ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਥੀ ਜੀ ਔਰ ਕੌਣ ਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਥਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇ ਬਤਾਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਹਤਕ ਔਰ ਗੁਆਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਥੀ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਆਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਥੀ ਔਰ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਥਾ। ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਥਾ ਦੋਸਤੋ, ਆਜ ਆਪਨੇ ਬੇਰਾ ਲਾਗ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ। ਇਮਰਾਨ ਕਮਰ ਭਾਈ ਵੈਲਕਮ, ਵੈਲਕਮ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਆਪਨੇ ਵੀ। ਰਾਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲਮ ਭਾਈ ਆਪਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਕਾ ਨਾਮ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਤੋ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਹਮਨੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਕਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾਓ, ਆਪਨੇ ਜਨਾਬ ਬਚਪਨ ਕੈਸਾ ਥਾ, ਆਪਕਾ ਕਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ? ਭਾਈਓ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਕੇ ਘਰ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਮੌਲਾ ਬੱਲੀ ਮਾਰਾਨ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਕੇ ਘਰ ਔਰ ਸਨ 1968 ਮੈਂ ਉਰੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਯਾਲ ਮੈਂ ਔਰ ਸਾਥ ਚੱਕੇ ਗਾਉਂ ਮੈਂ ਛੋਰੋਂ ਕਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਰੀਓ ਕਾ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਭਾਈਓ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਦੋ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵਾਂ ਕਰੀ ਜੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਭਾਈਓ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਾ ਕਾਮ ਸਿੱਖਾ,
और उसके बाद महकमा माही परवरी में बतौर क्लर्क भर्ती हो गया। बस भाइयों उम्र नहीं थी, फिर मैं सिलसिला नक्शबंदिया में एक पीर साहब का मुरीद हो गया। वाह वाह माशाल्लाह। तो भाई उनकी तवज्जो से मैंने प्राइवेट तौर पे फाजिल अरबी भी करी। वाह वाह। तो दीनी तालीम भी बस यही है कि मैं फाजिल अरबी हूँ और मैट्रिक हूँ। एक पेपर दे दिया था तो वह ऐसे भी होगी, सिर्फ अंग्रेजी का पेपर देना पड़ा भाइयों तो सबने पता फाजिल अरबी है। एक के पेपर देने पे वो ऐसे भी होगी जबरदस्त। उसके बाद भाइयों महकमा माही परवरी में ही मेरा तबादला अभियाड़ी से खानेवाल हो गया। सुनो यह 1987 का वाक्या है कि एक वहाँ उर्दू का शायर था जिसका नाम था शौकत मेहंदी। भाइयों वहाँ उसकी शागिर्दी करी उर्दू में, तो मैंने एक नजम उर्दू में लिखी जिसमें एक शेर था, मेरे शहर में कोटा सरों की हुकूमत है। वाह 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 वाह। जो सर उनसे ऊंचा गया वो सर ना रहा, इस तरह करके था भाई। मैं तो भूल का बात में बीमार भी हो गया था। हाँ जी। और इसी तरह एक और मेरा शेर था, आखिर हमारे इश्क में कोई कमी तो है, निगाह है दिल पगार को गायल ना कर सके। भाइयों इसला वास्ते शौकत में जिसाब से दे दी। 15वें दिन देखा तो एक अखबार में जनाब उस्ताद जी का नाम से वो नजम छपी हुई थी। दिल खट्टा हो गया भाइयों, मैंने कोई नजम उर्दू में फिर दोबारा नहीं लिखी, सिर्फ दो ही नजम लिखी थी, दोनों ही मेरी किसी और के नाम से शाई हुई। और उसके बाद जनाब मैं बीमार भी हो गया और मेरी शायरी से दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो गई। अच्छा तो आपने ये तुम्हारे पूछना चाहूँ है, फरीद मोहसिन भाई कह रहे हैं क्या बात है अखलाक बाबा साहब की, और जनाब शकील भी आ लिया, अली शान भाई भी आ लिया, और तेरा सैकल से एक बंदा कह रहा है सैकल हमारा गांव से भाई, सैकल मेरा नाम से भाई। ठीक है भाई, ये आपके शेर की कह लो कि मशहूरी की सबसे बड़ी दलील है कि आपने शेर क्या कॉपी होना शुरू हो गया। मेहरबानी है भाइयों की भाई। हाँ जी बहुत वधिया शेर होया भाइयों, तो माशाल्लाह अखलाक बाबा। इब जो बताओ ये जो हरियाणवी का ख्याल क्यों आया आपने बुढ़ापा में, या जवानी से कर रहे हो? नहीं भाई, जो मेरी शायरी बिल्कुल शौक खत्म हो गया था। इंटरनेट का जमाना आया 1908 में, मैंने अपने घर इंटरनेट लगवाया। उस वक्त चैटिंग होया कर रही थी याहू मैसेंजर के जरिए। याहू मैसेंजर के जरिए मैं चैटिंग तो करता रहा, लेकिन शायरी का कोई ख्याल दिल में बीच में नहीं आया। फिर भाई फेसबुक का जमाना आ गया और फेसबुक में मेरी मुलाकात अक्षर दौलतालवी साहब से होगी।